हाय गाइस, कैसे आप लोग गाइस? वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जो सॉल्यूशन का कलर होता है या प्रिडिक्ट करते हैं जब सॉल्यूशन का, उनके आयंस के थ्रू वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे वो टेबल को आप मेमोराइज कर सकते हैं. ओके, नाउ ये जैसे आप टेबल देख सकते हैं, मैं ट्रिक में बेसिकली इस टेबल को आपको याद रखना बताऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें याद रखना बताऊंगा. ओके, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको और प्रैक्टिस में आसानी हो जाए. नाउ ये जो ट्रिक है गाइस, इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि रादर देन लर्निंग 30-40 डिफरेंट कलर्स, है ना, आयंस के 30-40 डिफरेंट आयंस के कलर याद करने के बजाय, अगर मैं 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स अगर याद कर लूँ और उससे अगर मैं ये 30-40 याद रख सकता हूँ तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है. ओके, सो आप इस बात को याद रखें. एक दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी इसमें और उससे मैं आपको एक टेबल में कैसे बना सकते हैं वो बता दूंगा. ओके, नाउ सबसे पहले आप याद रखें गाइस कि ऑल कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होंगे या पॉजिटिव पार्ट होगा किसी आपका सॉल्यूशन का, हमेशा कलरलेस होगा. यानी कैटायंस हमेशा कलरलेस होंगे एक्सेप्ट ऊपर जो मैंने लिखे हैं, राइट, जैसे Cu2+, Cr+3, Ni+2 जो ऊपर मैंशनड हैं. उनके अलावा आप ये मान के चलें कि इसके अलावा जो भी कैटायंस होंगे वे कलरलेस होंगे. ओके, अब जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के जितने भी मेटल आयंस हैं कलरलेस हैं, क्योंकि ग्रुप 1, 2 एंड 3 में हमेशा कैटायंस ही होते हैं, राइट, तो कलरलेस मान के चलें क्योंकि इन टेबल में भी कोई सा नहीं है. नाउ ग्रुप 1, 2, 3 में जैसे ग्रुप वन में जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ग्रुप टू में जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, Mg2+, ग्रुप थ्री में जैसे Al3+, एल्यूमिनियम आयन, तो ये हमेशा आप अगर सॉल्यूशन में है तो इनको ही मान के चलिए जो सॉल्यूशन का कलर है इन कैटायंस की वजह से नहीं है. ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल कैटायंस एक्सेप्ट अबोव जो टेबल में है उनके अलावा सब कलरलेस है, सो सिमिलरली जैसे अमोनियम आयन भी हुआ या Pb2+ हुआ या Zn2+ हुआ, ये भी कलरलेस होंगे, राइट. सो आपको ये बात याद हो गई कि ऑल कैटायंस आर कलरलेस एक्सेप्ट अबोव जो टेबल में. आप टेबल को मैं आपको बताना सिखा दूंगा तो आप कंफ्यूज मत हो. इसके अलावा जो सारे एनायंस हैं, ऑल एनायंस भी कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट जो कि अबोव जो टेबल में दिया उनके अलावा. जैसे अगर आपके सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या सल्फाइट है, अगर ये दिया हुआ है तो ये मान के चले ये कलरलेस है एटसेट्रा. इनके अलावा भी हैं जो कि टेबल में नहीं है, राइट गाइस. सो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ओके, नाउ ट्रिक से स्टार्ट करते हैं. देखिए, परमैंगनेट आयन यानी Mno4- हमेशा वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है, राइट. क्यूप्रिक आयन Cu2+ है तो वो ब्लू कलर देता है. सिमिलरली Chromium-3 आयन Cr3+, Ni+2, Fe+2 ग्रीन कलर देते हैं. सिमिलरली फेरोसाइनाइड, ये फेरोसाइनाइड आयन है, या Fe+3 जिसे आप फेरिक आयन बोलें, या Cr0-4-2- जैसे आप क्रोमेट आयन होता है, ये येलो कलर देते हैं, राइट. इसका भी कलर येलो, इसका कलर येलो, इसका कलर येलो. सिमिलरली डाइक्रोमेट ऑरेंज देता है एंड कोबाल्ट एंड Mn+2 पिंक देते हैं. नाउ इस टेबल को याद कैसे रखें, देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, उससे आप टेबल बना देंगे. अब कैसे, आपने गाइस विबगेओर तो सुना होगा, VIBGYOR. विबगेओर क्या होता है गाइस? इंद्रधनुष के कलर होते हैं, राइट. सो VIBGYOR, नाउ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होते हैं ये. नाउ अब आपको इसमें याद क्या करने हैं, आप बताता हूँ गाइस. सबसे पहले आप मान के चलें कि वॉयलेट या पर्पल एक ही होता है, ओके, लगभग सेम होते हैं, तो आप अगर वॉयलेट है तो पर्पल मान लें, हमेशा मैं यही मान के चलता हूँ. नाउ इंडिगो एंड ब्लू लगभग एक सेम कलर होते हैं ब्लू, तो आप इनमें से एक कट कर लें. सपोज मैं इंडिगो को काट देता हूँ इसमें. नाउ ये मैं इसलिए काट रहा हूँ गाइस, विबगेओर और आपको आसानी से याद हो जाएगा. आपको क्या याद रखना है, वी से वॉयलेट है पर्पल, आपने क्या करा, इंडिगो को माइनस कर दे. सिमिलरली जो रेड है, रेड को आप पी से रिप्लेस कर दे, यानी पिंक. बस आपको ये रिप्लेस करना है गाइस. ओके, नाउ
पोटेशियम पर मैग्नेट, गाइज मैंने आपको फ्लेम टेस्ट में भी बताया था, पोटेशियम पर मैग्नेट हमेशा पर्पल कलर का होता है, आप ये हमेशा याद रख ले गाइज, ये बहुत ही कॉमन साउट कॉमन आयन होता है, यानी MnO4 नेगेटिव, ये पर्पल से हो गया स्टार्ट। अब कैसे याद करें, अब देखिए B है ब्लू यानी कुतुब। अब देखिए आप, मैं ट्रिक कैसे ट्रिक बताऊंगा कि देखिए कि कुतुब मीनार में आपको पता होगा कि एक पिलर आयरन का पिलर है जो कि स्टेनलेस स्टील से बना है, ओके कुतुब मीनार में ओके एक स्टेनलेस स्टील का पिलर बना है, ओके जिसके नीचे एक फरिश्ता, राइट फरिश्ता होता है उर्दू हिंदी हिंदी में वर्ड, फरिश्ता नाम का एक फकीर बैठता है, ओके कुतुब मीनार में एक स्टेनलेस स्टील का जो खंभा है उसके नीचे फरिश्ता नाम का एक फकीर बैठता है, ओके सो वो जो लोगों क्या बोलता है कि आए हो तो कुछ देकर जाओ, ओके आए हो तो कुछ देकर जाओ। अब देखिए इसके अलावा एक चीज अभी इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, कंफ्यूज मत हो, अब ये अब नीचे देखिए। सो गाइज अब इसके बाद आपको अगर 21 से 30 तक अगर एटम नंबर याद हैं ठीक है, नहीं तो उसकी एक ट्रिक बताऊंगा, दोनों को कंबाइंड करके टेबल बन जाएगी, कैसे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नाउ इससे याद रखेगा एक स्टीव क्रोमी कोनी क्यों जिया, ओके अब इससे अगर आप याद रखें तो मैं एक्चुअली गाइस जब मैं प्रिपरेशन करता था ये तभी बनाई थी मैंने, एस से हो गया स्कैंडियम, टी से हो गया टाइटेनियम, ये हो गया वेनेडियम, फिर क्रोमियम राइट, और एम से मैगनीज, आई हो गया I4Fe यानी आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकल, स्टीव क्रोमिकोनी, क्यू यानी कॉपर, जिया मतलब जिंक, राइट गाइज। सो अगर आपको ये याद है बहुत जल्दी बना लेंगे ये टेबल, अगर देखिए मैं समझाने में टाइम लग रहा है वैसे नहीं होगा ना। अब आपको करना क्या है कि जो एक क्रोमियम से लेके कॉपर तक की टेबल है उसे याद रख लें बस, और बाकी है जो उसे मिटा दें, समझिए। अब टेबल बनाते हैं, देखिए मैंने बताया था कुतुब मीनार पे कुतुब मतलब Cu2+, Q2B कुतुब, याद आया हो गया आपको कुतुब मीनार कुतुब। इससे एक ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉपर जो वायर होते हैं अगर उसमें लोगों को करंट लग जाए तो आदमी नीला पड़ जाता है, तो आप इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओके सो कुतुब मीनार पे स्टेनलेस स्टील का जो आयरन पिलर है। अब गाइस स्टेनलेस स्टील अगर आपको याद रखना है, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय होता है क्रोमियम का, आयरन का एंड निकिल का, ओके अब अगर आपको ये याद नहीं है ये है तो मैं इसको बताता हूँ कैसे याद रखें, यहीं ये टेबल काम आएगी। देखिए कुतुब, अब क्रोमियम क्या है, देखिए 24 एक छोड़ा 26 फिर एक छोड़ा 28, ओके सो एक एक छोड़ के जो ये तीन बचे तीन हैं ये आपने यहाँ लिख दिए, क्रोमियम आयरन एंड निकिल, ओके सो आपने यहाँ लिख दिए। अब ये 3+ कैसे याद रखें, अब देखिए क्योंकि इन जो एटम्स हैं 1, 2, 3 हैं तो तीनों का यहाँ है तो 3+ लिख दिए, बाकी के 2+ हैं। अब ऐसे कैसे याद रख सकते कि एक +2+2 होगा, देखिए ग्रीन है जी ए बी सी डी ई एफ जी में देखें तो 7वें नंबर पे आता है और इन सब सबका सम भी 7 ही होगा, तो 3 है तो बाकी के 2+2 हो जाएंगे, ओके नौ फरिश्ता नाम का फकीर बैठता था, फरिश्ता हो गया गाइज फेरोसाइनाइड हो गया एफ, फरिश्ता मतलब फेरोसाइनाइड FeCN, इतना तो गाइज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, फेरोसाइनाइड नाम का फकीर बैठता था, फकीर मतलब F से Fe एंड कीर यानी क्रोमेट Cr4 2 नेगेटिव। नाउ Fe यहाँ +2 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, ओके फकीर नाम का एक वो बैठता था, वो क्या कहता था कि आए हो तो कुछ देकर जाओ, देकर मतलब डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट का क्या होता है Cr2O7,
ओके सो आपको गाइज ये बन गया। अब नीचे जो लास्ट कॉलम है ये वाला जो बचा, इसमें कैसे करें आप देखिए, जो तीन आपने यहाँ लिखे थे, अब जो बचे ये वाले मैग्नीज और कॉपर, मैग्नीज और कोबाल्ट, कॉपर तो आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, मैग्नीज और कॉपर बचा वो यहाँ पे लिख दीजिए Mn+2 NCO+2। अब कैसे, क्योंकि ये टू है तो इन पे दो दो हैं, ये तीन थे तो यहाँ पहले में प्लस थ्री था। ओके सो आई होप गाइज आपको एक टेबल बनानी आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको बहुत जल्दी से बताना सिखाता हूँ दोबारा से। अब देखिए मैंने क्या किया था, VIBGYOR मैंने किया जल्दी से, आई ब्लू एक सेम है तो इंडी को हटा दिया और आर को पी से रिप्लेस कर दिया, राइट। वॉलेट MnO4 नेगेटिव, पर मैग्नेट हमेशा वॉलेट या पर्पल कलर का होगा, ये मैंने याद रखा। अगेन ब्लू कॉपर वायर होगा कुतुब, C2+2 याद हो गया, यानी कॉपर वायर है, करंट लगते ब्लू हो जाता है। अगेन अब मैंने क्या किया, स्टीव क्रोमिकोनी क्योजी से देखा, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 है, उसमें मेटल क्या है, क्रोमियम निकिल मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल एंड कॉपर। ओके सो आपने क्या किया, स्टेनलेस स्टील है, अलॉय है उसका, तो कैसे होगा देखिए, Cr एक छोड़ा Fe एक छोड़ा निकिल, यानी Cr क्योंकि तीन है तो प्लस थ्री, बाकी के Fe प्लस टू हो जाएगा, Ne+2 हो जाएगा क्योंकि ये क्रोमियम है, जो जी है ये प्लस सातवें नंबर पे आता है ABCD में। अगेन उसने कहा कि कुतुब मीनार में एक आयरन का पिलर है जहाँ पे एक फरिश्ता नाम का, यानी फेरोसाइनाइड CN6 नाम का एक फकीर बैठता है, यानी FeCr क्रोमियम सॉरी क्रोमेट। ओके सो ये प्लस टू था, प्लस थ्री हो गया, क्रोमेट हो गया, फकीर नाम का बोलता था, फरिश्ता नाम का फकीर, की आए हो तो कुछ दे कर जाओ, यानी डाइक्रोमेट, यानी Cr2O7-। ओके और बचे हुए कौन से हो गए, एक ये बचा एक ये बचा, Mn+2 और CO+2। आई होप गाइज आपको ये याद हो गया होगा टेबल। अब देखिए ये टेबल बना दी, वो बना दिया, आप कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं सॉल्यूशन का, और उससे आप समझ जाएंगे कि समझ में आया नहीं आया कुछ। नाउ गाइज आपको इन सब के सॉल्यूशन का कलर प्रिडिक्ट करना है, कैसे करेंगे। अब देखिए FeSO4 है तो इसमें Fe+2SO42 नेगेटिव लिख सकते हैं, राइट गाइज। सो सल्फेट आयन है, नेगेटिव है, कलरलेस होगा, मैंने आपको बताया था। Fe+2 क्या है, ग्रीन कलर का, राइट। स्टेनलेस स्टील का एलोय है, याद रखिए। सो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा ये FeSO4 का। सिमिलरली FeCl3 क्या होगा, Fe+3 है और Cl- है 3, तो साइक्लोक्लोराइड हमेशा कलरलेस है। Fe+3 क्या है, फकीर सॉरी जो आयो तो ये हाँ फकीर वाला, तो Fe+3 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका येलो कलर का, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, तो प्रॉपर कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस, ये भी कलरलेस हो जाएगा। अगेन Cu NSO4 में क्या हो गया, Cu2+SO42-। Cu2+ याद है कुतुब, यानी ब्लू, कॉपर का करंट लगते ही लोग ब्लू पड़ जाते हैं, SO4- कलरलेस है तो टोटल ब्लू कलर का हो गया। सिमिलरली ये जो है आपका क्या, Cu+2 NO3-, ये कलरलेस है, ये ब्लू कलर का, ये भी ब्लू हो जाएगा, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे करते हैं सॉल्यूशन ये क्वेश्चन, राइट गाइस। सो आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है कोई इसी तरह की ट्रिक के लिए गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।